पापा आपने चाय पी नहीं? पापा मैं आपको करीब करीब एक महीने से इस तरह देख रही हूँ, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ बोलते हैं और घंटों अकेले बैठकर कुछ सोचते रहते हैं, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस यही कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। पापा ये सब उस खत की वजह से तो नहीं? कौन सा खत? पापा आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस खत की बात कर रही हूँ। बरसों हर खड़ी उस दिन का इंतजार किया है जब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं और तुम सब कुछ समझ सको। अब वो घड़ी आ गई है जहां मुझे तुम्हारे उन हजारों सवालों का जवाब देना है जो तुम्हारे दिल में तो है मगर जुबान तक नहीं। आज मैं उन हजारों सवालों का जवाब देना चाहता हूं। सर आपका टेलीग्राम। जल्दी करो बेटी, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है। कहाँ? ये पूछने और बताने का वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना ऐसा ना हो कि हम वक्त पर ना पहुंच सके। ओह माय गॉड, प्लेन को जाने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। कितनी दूर है, कितना वक्त लगेगा? बस 15-20 मिनट और। आपके तार में लिखा था कि वो बहुत सीरियस है, अब कैसी हालत है? किसी डॉक्टर को दिखाया? यहाँ कोई उसके साथ उसकी देखरेख करने वाला है? यहाँ तो सारा गांव उनकी देखरेख उनकी सेवा के लिए है। आज से 20 बरस पहले यहाँ आकर सिर्फ इस गांव में ही नहीं बसे बल्कि यूं समझिए कि गांव वालों के दिलों में बस गए। उनकी तबीयत का सुनकर 25-25 कोस से लोग चलकर आ रहे हैं और उनके घर के सामने खड़े खड़े चुपचाप उनकी सेहत के लिए दुआ मांग रहे हैं। डॉक्टर क्या कहता है? सर डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, आज से 2 दिन पहले तक होश में थे। हम लोगों ने बहुत पूछा, किसी को खबर कर दें कोई है आपका इस दुनिया में, तो कहने लगे सब तो मेरे हैं, तुम भी मेरे हो, और फिर से बेहोश हो गए। तो हम लोगों ने मुनासिब समझा कि इनके सामान में शायद कोई पता कोई एड्रेस मिले, और जब तलाश किया तो आपके अखबारों में छपे हुए कई फोटो निकले। आपकी अखबारों में आई हुई खबर की हर कटिंग बड़ी हिफाजत से रखी मिली। हमने सोचा आपसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुक होगा, इसलिए आपको तार दिया। खोलो, मैं कृष्णा बोल रहा हूं। गोपाल, 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 कृष्णा, गोपाल, कृष्णा। Thank you.
कसम है मेरे दोस्त, दोस्ती की कसम, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे, तुझको भी यार दोस्ती की कसम, धूप हो छाँव हो, खुशी हो या गम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे। वक्त बदल गया है, आपका जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। बेटे मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन ये भी जानता हूँ कि कुछ चीजें वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदलती। ये कैसे पॉसिबल है? बेटे वक्त बिच्छू की फितरत से डंक मारना, कौवे की फितरत से चालाकी और इंसान की फितरत से डर और लालच को कहीं बदल सका है? नहीं, इसी तरह कुछ चीजें नहीं भी बदलती। पापा तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं गोपाल और कृष्णा से मिलना जुलना छोड़ दूं, उनकी दोस्ती छोड़ दूं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। गोपाल और कृष्णा अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लड़के हैं, मगर तुम्हारे साथ साथ वो भी बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हैं, और जवानी बड़े अजीब अजीब ख्वाब दिखाती है। मोहब्बत करने वाले जवान दिल वही देखते हैं जो वो चाहते हैं। गोपाल और कृष्णा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, और मैं सिर्फ इसी बात से डरता हूं कि वो तुम्हारी किसी बात का एक ही मतलब समझकर एक ही ख्वाब ना देखने लगे। पापा आपने तो एक अच्छी खासी दोस्ती को एक अजीब पेचीदा प्रॉब्लम बना दिया है। अब मुझसे ज्यादा पहले मत बुझाइए, साफ साफ बताइए मुझे क्या करना है। बेटी साफ साफ खुलकर ये बात तुमसे तुम्हारी माँ ही कर सकती थी,
मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी की मंजिल तय करने के लिए हमें सिर्फ एक ही नाव की जरूरत होती है, जिसका फैसला हमें किनारे पर ही करना पड़ता है, बीच मझधार में नहीं। चलो बेटे खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे वाह, ऐसे कैसे होगा? पहले तो तू हमेशा कहता था कि माँ जल्दी खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, और अब कहता है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ये तेरी भूख भला कौन खा गई है? जरा मुझे तो बता, फिर देख लाती हूँ उसे पकड़कर और बांध देती हूँ तेरे साथ सारी जिंदगी के लिए। अरे मगर ये तो बड़ी दादागिरी है, मैं किसी भी लड़की का नाम बता दूंगा और तुम उसे पकड़ कर लाओगे और मेरे साथ बांधोगे बगैर उसे पूछे कि उस बेचारे की क्या मर्जी है। देख बेटे, तुझे देखने और जानने के बाद अगर किसी ने इनकार भी कर दिया ना, तो उसे इकरार समझना, क्योंकि आजकल तेरे जैसे लड़के लड़कियों को जिंदगी में नहीं सिर्फ ख्वाबों में मिलते हैं। आओ भाई आओ गोपाल, बहुत दिनों बाद दिखे, कहाँ थे इतने दिन? साहब जी क्या बताऊँ, काम इतना बढ़ गया कि फुर्सत ही नहीं मिलती। कोई नौकरी कर ली है क्या? अरे नहीं साहब जी, नौकरी के लिए टाइम किधर है? तो क्या कोई बिजनेस शुरू कर दिया है? आई टेल यू साहब जी, ठेकेदारी बिजनेस का टाइम ही किधर देती है, सुबह से लेके शाम तक ठेकेदारी में टाइम चला जाता है। अब क्या बिजनेस करूं क्या नौकरी करूं आप ही बताइए। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना शुरू कर दिए क्या? नहीं नहीं साहब जी, मैं उस ठेकेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस ठेकेदारी की बात कर रहा जो मैंने अपने सर ले लिए। कोई बोलता कि ये कर दो तो कोई बोलता कि वो कर दो। अब कल ही की बात है, अपने बांटा सिंह जी है ना, वो मिल गए थे और वो कहने लगे और सुन गोपाल पुत्र इत्या। तो मैंने कहा कि ये पाजी और चल सडे नाल, मतलब कितने पाजी और चल चल देख सडे बांस दूध क्यों नहीं दे रही। तो मैंने भी सोचा थी कौन सी भैंस जो दूध नहीं दे रही। तो आई टेल यू साहब जी, मैं उनके साथ 6 मील चल के गया और जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि बांटा सिंह जी दारू की धुनकी में पाड़ा खरीद लाए। अब पाड़ा यानी भैंसा साहब जी, अब आप ही बताइए भैंसा कैसे दूध दे सकता है। लेकिन आई टेल यू साहब जी, आदमी बहुत जेंटलमैन, उन्होंने झट से 100 रुपए का नोट मेरे हाथ में थमा दिया और बोले और रख ले पुत्र। तो मैंने बोला किस लिए पाजी, असी तो दूध कड़िया ही नहीं। तो बोले आ पुत्र गल इस तरह आएगी कि ए गल किसी नु कहना नहीं। और कल की बात ही साहब जी आज मुंह से निकल गई। और साहब जी आई टेल यू ए गल किसी नु कहना नहीं। राधा, अरे कमाल करते हो, बगैर खासे खकारे बगैर खटखटाए कोई सर थोड़े आता किसी लड़की के कमरे में। अच्छा खासा खकारा खटखटाया और अंदर आया, अब बोलो। पता नहीं तुम्हारे बचपना कब जाएगा। जब मेरे घर आएगा एक नन्ना सा मुन्ना तब जाएगा मेरा बचपना, आई टेल यू यानी शादी के बाद। कोई पागल ही होगी जो तुमसे शादी करेगी। क्यों, ऐसी कौन सी खूबी नहीं है मुझ में जिस पर लड़कियां ना मरे। अब नौजवान हूँ, हत्या करता हूँ, उल्लू का बच्चा हूँ, और क्या चीज लड़के को। I tell you, दूसरों की बात छोड़ो, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मुझे तैयार होना है। अरे सुनो, जो मैं तुम्हें कहने आया था वो तो सुनती। अरे सुनो तो। अरे सुनो, कल सुबह कृष्णा को पिकनिक के लिए बुलाना मत भूलना, मेरा दोस्त एकदम अंग्रेज है, बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। आई टेल यू अपना क्या है, अपन तो बिन बुलाए ऑल्सो कमिंग, नाउ आई एम गोइंग। ओके हाय हाय, अरे ये किसकी तस्वीर छुपा रखी है? एक लड़की की है, एक दोस्त की है। कोई खास लड़की है, कोई खास दोस्त है? हाँ, एक खास लड़की है, एक खास दोस्त है। मैं देख सकती हूँ? शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने। हाँ, शायद। बैठो ना। नहीं, मैं चलती हूँ। दरअसल कल हम लोग सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं तुम्हें इनवाइट करने आई थी, आओगे ना? हाँ, जरूर आऊंगा। और अपनी खास दोस्त को भी लेके आना। ओके। मैं अभी तक सिर्फ उसकी तस्वीर के करीब आया हूँ, दुआ करो कि मैं उसके करीब भी आ जाऊँ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय। बाय।
मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके प्यार में पागल हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके प्यार में पागल हूँ।
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा वल्ला वल्ला इकरार तेरा हो आजा अरे चल तमसा ए भैया ए क्या है अरे नहीं 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 अरे नहीं नहीं क्या ऐसा नहीं खड़ा रहने का अबे सड़क तेरी है ये पैर तेरे अरे हम कह रहा हूँ ऐसा नहीं खड़ा रहने का अबे तू है कौन पुलिस इंस्पेक्टर चौकीदार थानेदार क्या है तू अरे ऐसा खड़ा रहेगा परेशानी में गिर जाएगा भाई क्या परेशानी में गिर जाएगा ये पैर मेरे मर्जी मेरी में आड़ा टेढ़ा वाकड़ा उल्टा सीधा कैसे भी खड़ा रहा तुझे से क्या अरे मुश्किल टीम गिर जाएगा ऐसा नहीं खड़ा रहने का अबे क्या मुश्किल टीम में गिर जाएगा बता कह दूं हां कह दे कह देता हूं कह दे बता दे कौन होगा बता दे कह दे कौन होगा कह दो गली मोहल्ले का कुत्ता आएगा और तोरा ऊपर ऐसा मूद के जाएगा पैंट खराब हो जाएगा भाई चल अरे भागो भैया अरे इतना बड़ा कुत्ता अरे ये तो मूते का कम काटे का जाएगा गोपाल गोपाल तुम्हें क्या हो गया है अरे कोई है ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं गोपाल आगे खोलो प्लीज गोपाल ये तुम्हें क्या हो गया गोपाल हमारा कार्डियक अरेस्ट हो गया था हमारा हार्ट फेल हो गया था हमारा हार्ट सुकड़ गया था हमारा बॉडी जकड़ गया था हमारा हाथ पांव अकड़ गया था इन शॉर्ट हमारा देहांत हो गया था सब कुछ शांत हो गया था स्वर्ग में हमारा स्वागतम हो गया था मगर तुमने पुकारा हमें हम चले आए जहाँ हथेली पर ले आए रे मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आइंदा ऐसा मजाक कभी नहीं करना थोड़ी देर के लिए मैं एकदम डर गई थी मुझे ऐसा लगा न जाने तुम्हें क्या हो गया है अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो डरना मत सिर्फ एक बार प्यार से आवाज दे देना नहीं गोपाल मुझे छोड़कर मत जाना और बाय गॉड मैं यमराज से हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा गोपाल अब तुम बच्चे नहीं हो जवान हो गए हो अब वक्त आ गया है कि ये सब खेल कूद और मजाक छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली कुछ सोचो आज नहीं तो कल तुम्हें अपने अलावा किसी और की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी समझे समझा बिल्कुल समझा तुम्हारा क्या मतलब है और तुम क्या कहना चाहती हो गुड आज से एकदम सीरियसली मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचूंगा बेटे ये राधा कैसी लड़की है तुम तो ऐसी पूछ रही हो जैसे कि तुम उसे जानते ही नहीं हो हाँ मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो खूबसूरत है पढ़ी लिखी है और अच्छे खानदान से है मुझे क्या पता कि उसका स्वभाव क्या है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी मेरा मतलब है जिस घर में जाएगी वहां सबको बहुत खुश रखेगी जब राधा इतनी अच्छी लड़की है तो जिस घर क्यों इस घर क्यों नहीं मगर ये सब आज क्यों पूछ रही हो इसलिए कि अब इस घर को उसकी तस्वीर से ज्यादा उसकी जरूरत है माँ दरअसल ये बात मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था मगर इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है और ये बात उससे पूछना मुझे तो अजीब लगता है बल्कि शायद कहीं उसके इनकार से डर सा लगता है देखो बेटे एक बात याद रखो जवान बेटी अपने माँ बाप के कंधों पर जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा बोझ होती है और वो जल्द से जल्द किसी अच्छे घर की दहलीज पर उसे उतार देना चाहते हैं हो सकता है राय साहब को भी जल्दी हो राधा जी क्या कहा राधा जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ये राधा जी क्या राधा जी वो बात ही कुछ ऐसी है कभी आपने मुझे गौर से देखा है रोज तो गौर से देखती हूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं गौर से लो गौर से देखा अब बोलो आपको मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आया जी नहीं अरे क्या बात कर रही हैं आप कमाल कर रही राधा जी क्या बॉडी था मेरा
एक एक मस्कल ऐसा खरबूजे की तरह था। जब मैं रास्ते में चलता था तो लोगों की नजर लगती थी, और आप तो जानती हैं कि आदमी तलवार की धार में चल सकता है, लेकिन नजर से नहीं बच सकता। इसलिए अब मेरी बॉडी फिस्टिक मिडिल स्टिक यानी कि सुकी स्टिक यानी कि फुस्ती हो गई है। पूछो कैसे? पूछूं? लो पूछती हूँ, कैसे हुआ? फिक्र चिंता परेशानी। फिक्र चिंता परेशानी किस बात की? हाँ दादाजी, आपको मालूम तो होगा ही कि घर में शादी के लायक जवान बेटी हो तो किसे फिक्र नहीं होगी। किसके घर कौन सी लड़की जवान होगी जिसकी तुम्हें फिक्र हो रही है? हाँ क्या आप और साहब जी मुझे अपना नहीं समझते? क्या वो घर मेरा घर नहीं है? हम तुम्हें अपना ही समझते हैं और हमारा घर तुम्हारा ही है। बस तो फिर मैं आप ही के घर की बात कर रहा हूँ, और आप ही वो लड़की है जिसकी शादी की मुझे फिक्र है। आप क्या समझती है मुझे आपकी शादी की फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है, और आप भी अपनी शादी के बारे में कुछ कीजिए वरना इस फिक्र के बारे में मेरा ध्यान तो जाएगा। I tell you, it's to be doing something or die. Understand? मुझे भी मेरी शादी की फिक्र है गोपाल जी, मगर लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। मुझे माफ कीजिए मैडम, मुझे लगता है आपकी करीब की निगाह कुछ कमजोर है। जी हाँ, आप अपने लिए करीब का चश्मा, खैर कोई बात नहीं, आपकी और मेरी बीच की दूरी का फासला कितना है? हाँ, यही कोई 2 फुट। बस तो फिर आप 2 फुट की दूरी का चश्मा बनवा लीजिए और फिर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 फुट की दूरी पर एक हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा दिखाई देगा। आप समझ रही हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल समझ रही हूँ। आपको मेरी चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे रास्ते से हटिए एंड बाय। अरे बच के मेरी जान कहाँ तू जाएगी? क्यों इतनी मगरूर है? अरे पागल शोख हसीना, ऐसा चाहने वाला तो होगा और कहीं ना। बच के मेरी जान जहां तू जाएगी, तुझको मेरी याद बहुत तड़पाएगी। अरे बच के मेरी जान जहां तू जाएगी, ओए तुझको मेरी याद बहुत तड़पाएगी। तन्हाई में चैन कहीं ना पाएगी, तुझको मेरी याद बहुत तड़पाएगी। धरती अंबर सात समंदर सब है मेरे साथ, गांव गली बाजार शहर में होगी अपनी बात। धरती अंबर सात समंदर सब है मेरे साथ, गांव गली बाजार शहर में होगी अपनी बात। होंगे चर्चे इश्क के अब तो सुबह हो शाम, सबके समझाएगी, तुझको मेरी याद बहुत कर पाएगी। अरे बच के मेरी जान जहां तू जाएगी, तुझको मेरी याद बहुत तड़पाएगी। जान जहां तू जाएगी,
माय डियर राधा, मैं हमेशा समझता था कि रिश्ते तोड़ने या जोड़ने ज्यादा मुश्किल होते हैं, मगर आज पता चला कि रिश्ते बदलने ज्यादा मुश्किल होते हैं। मैं हमारे बचपन के इस दोस्ती के रिश्ते को मोहब्बत में बदलना चाहता हूं। अरे कृष्णा इधर आके बैठ ना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुझे आज कुछ बताना है, मगर पहले तू बोल क्या बात है। देख 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 देख, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब मेरा तेरे अलावा है कौन जो जाके राय साहब से बात करे? ना मुझे अच्छी तरह बात करनी आती, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो तुझे भी जाके ये बात करनी पड़ेगी। कर लेगा ना? अरे तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? परेशान इसलिए कि मुझे अभी अभी याद आया कि मैं अपनी एक बहुत जरूरी एप्लीकेशन एक गलत जगह डालकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। अरे मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तू अपनी किचन की बात कर रहा है? तू फिक्र मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। आई टेल यू, भूलना मत, मेरी और राधा की जिंदगी के सवाल है। आई टेल यू, भूलना मत, बेस्ट ऑफ लक। What a pleasant surprise. Ao. Thank you. मैं कुछ जरूरी काम से निकला था, बहुत जोर से प्यास लगी, यहाँ चला आया। एक ग्लास पानी मिल सकता है? आराम से बैठो, मैं भी पानी लेके आती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी, थोड़ी देर रुकिए ना, फिर किसी दिन। आज मेरा कोई इंतजार कर रहा है। जो हर रोज हर दिन आपका इंतजार करता है उसका भी ख्याल रखिए। और हाँ, जब भी प्यास लगे आ जाइएगा, आपको देख के मेरे भी प्यास बुझ जाती है। अच्छा लगता है खत रखना भूल गया। अरे कृष्णा इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ देर लगाई, 10 मिनट में तो वापस आ गया। अरे इंतजार करने वाले से पूछ कि ये 10 मिनट कैसे गुजरते हैं। बोल, राय साहब से बात की? सब ठीक तो है ना? राय साहब घर पे नहीं थे। तो राधा से बात कर लेता? राधा भी नहीं मिली, मेरा मतलब वो भी घर पे नहीं थी। खैर आज नहीं तो कल, जब बचपन से आज तक ठहरा हूं तो एक दिन और सही। लेकिन मेरे दोस्त कल जाके जरूर ये बात कर लेना। चलो। गोपाल बहुत अच्छा लड़का है राय साहब। मैं जानता हूं गोपाल बहुत अच्छा लड़का है, इतना अच्छा है कि उसके अच्छेपन की मिसाल दी जा सकती है, मगर वो करता क्या है? कुछ नहीं। कृष्णा, मैं उन दकियानूसी लोगों में से नहीं हूं जो ये पूछते कि उसका बाप कौन था, उसकी मां कौन थी, वो कौन से खानदान से है, किस घराने से ताल्लुक रखता है। मगर एक बाप होने की हैसियत से इतना पूछने का हक तो है मुझे कि वो खुद क्या करता है, वो खुद कौन है। बेटे, शादी करके घर बसाने के लिए सबसे पहले एक घर की जरूरत होती है, और वो घर मोहब्बत से नहीं पैसे से चलता है। अगर वो हमारी बेटी को पसंद है तो उससे कहीं ज्यादा हमें पसंद है। जाओ उसे कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो उसे कह दो कि हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे।
जो कुछ राय साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कहता हूं ये तो उनका बड़प्पन है, उनकी शराफत है कि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं करता क्या हूं। उनको तो ये भी पूछने का हक है कि मैं हूं कौन, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरा बाप कौन था, मैं बेटा किसका हूं। तो फिर तेरे पास हमारे पास क्या जवाब रह जाता। लेकिन ये सब भूलकर उन्होंने मुझ पर मेरी मोहब्बत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इन एहसानों का मैं जरा सा भी हिस्सा चुका सकूं तो मैं उनकी बेटी के काबिल बनूंगा। मैं वादा करता हूं, जिसने मैं तेरी कसम खाता हूं कि मैं राय साहब से, राधा से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक मैं उनकी नजरों में इस काबिल ना हो जाऊं कि मैं राधा का हाथ उनके बराबर खड़ा होकर मांग सकूं। मैं कल सुबह होते यहां से चला जाऊंगा और मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं कुछ बनना चाहूं। अच्छा दोस्त, तो मैं चलता हूं, तू अपना इरादा का ख्याल रखना और दुआ करना कि मैं अपने इरादों में जल्दी कामयाब हो सकूं और तुम लोगों के पास फिर से आ सकूं। और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मेरी यही सजा है कि मैं तुम लोगों से दूर रहकर तुम लोगों के प्यार के लिए तड़पता रहूं। तू अपने इरादों में कामयाब होकर जरूर वापस आएगा मेरे दोस्त, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, भगवान तेरे साथ है। चला गया ये तो उसने बताया नहीं, मगर ये कहा कि कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा और जब तक बड़ा आदमी नहीं बन जाऊं वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, ये क्या गजब कर दिया उसने। काश जाने से पहले वो मुझे मिलकर जाता, मुझे बताकर जाता। अब मैं उसे क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी अपने दिल की बात। काश जाने से पहले मैं उसे कह सकती जो इतने सालों से कहना चाहती हूं। पता नहीं अब मुझे वो सब कुछ कहने का मौका मिलेगा या नहीं। राधा इस वक्त क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ मैं बहुत परेशान हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब समझ में नहीं आए कि क्या करें तो कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल। मजाक मत करो गीता, मैं आज बहुत सीरियस हूँ। मुझे आज न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जिंदगी में अजीब सा तूफान आने वाला है। वैसे आजकल सब मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट्स यानी कि मौसम की खबरें गलत ही निकलती हैं। तुम फिक्र मत करो, कोई तूफान नहीं आएगा, मौसम बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज गीता मेरी बात सुनो जो मैं तुमसे कहने आई हूँ। अच्छा बाबा बोलो। आज गोपाल यहाँ से बहुत दूर चला गया, जिंदगी में कुछ बनने, पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है मैं जानती हूँ, लेकिन वो ये सब मेरे लिए करने गया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कृष्णा से जाकर कहो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और गोपाल को सिर्फ एक दोस्त समझती हो। नहीं मैं कृष्णा से ये नहीं कह सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं कह सकती, इसमें कैसी शर्म, कैसा ईगो,
आज सब औरतें जब ये कहती हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं, तो अपनी पसंद का इजहार करने का हक क्या उन्हें नहीं है? जाओ कृष्णा से कहो कि तुम उससे प्यार करती हो। मैं उसे ये नहीं कह सकती। पर क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि कृष्णा ही गोपाल का रिश्ता लेके मेरे पापा के पास आया था। कृष्णा तुम्हारे लिए गोपाल का रिश्ता लेकर आया था? हाँ। ओह माय गॉड। डियर राधा, मैं जाने से पहले तुम्हें नहीं मिल सका, मुझे माफ करना। और खत इसलिए नहीं लिख सका कि काम की तलाश में सुबह से शाम हो जाती थी। अब मुझे काम के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया है, जो मुझे अपने छोटे भाई से भी ज्यादा समझता है। इस अजनबी से मेरी मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक से हुई। मैं यहाँ एक बार में काम कर रहा था। एक दिन ये अजनबी रात देर से आया और मुझसे एक ड्रिंक मांगे। मैंने कहा, सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। बंद हो क्या है, तो भाई मुंह खोल दो। सॉरी सर, मुझे ऑर्डर्स नहीं है। आई एम सॉरी। हम तुम्हें ऑर्डर भी देते हैं और खोलने की चाबी भी, पूरे 10,000। पता नहीं सर, अब जिंदगी में किस किस्म के लोगों से मिले हैं या क्या आपका तजुर्बा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे से तो क्या किसी भी चीज से खरीदे नहीं जा सकते। ये क्या, अगर आप मेरे सामने 10 लाख या 10 करोड़ भी रख देते ना, तब भी मैं आपसे यही कहता। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। अपने पैसे संभाल के रखिए सर, इसकी कभी कभी जिंदगी में बड़ी सख्त जरूरत पड़ जाती है। और ईमानदारी से पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, इसका एहसास मुझे अब जाके हो रहा है। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। ये खत मैं कृष्णा को भी लिख रहा हूं। उस दिन तो वो अजनबी चला गया, मगर दूसरे दिन फिर आया और उसने मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ी अच्छी नौकरी दे दी। थोड़े दिनों में हम एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मोहन बाबू इस दुनिया में अकेले थे। सर, सर मैं अपनी तनख्वाह से बहुत खुश हूं, फिर ये पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपने मेरे लिए क्या नहीं किया? गोपाल, पैसे का मुझे भी तुम्हारी तरह बिल्कुल कोई शौक नहीं था। दिन रात बस इसलिए काम करता था कि बेकारी अकेलेपन का एहसास न दिला सके। जब बेकार बैठता था तो अकेलेपन का एहसास होता था, और जब काम करता था तब सोचता ये सब किस लिए। अब तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे साथ ने उन दोनों चीजों का एहसास खत्म कर दिया है। अपना बेकारी में अकेलेपन का एहसास होता है, और ना काम करते वक्त ये ख्याल आता है ये सब किस लिए है। मैं थोड़े ही दिनों में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। आने के बाद फिर खत लिखूंगा। अपना और राधा का ख्याल रखना। तुम्हारा दोस्त गोपाल। अरे और राधा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आपने कम से कम मेरे बारे में सोचना तो शुरू किया। थैंक यू। नहीं, ये बात नहीं है राधा, गोपाल का खत आया था इसलिए तुम्हारा ख्याल आया। मुझे भी गोपाल का खत आया, और इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। ये क्या मजाक है, क्या पागलपन है? तुम दोनों ने मेरी पसंद, मेरी जिंदगी के फैसले आपस में बैठ के कर लिए। क्या मुझे मेरी जिंदगी, मेरी पसंद के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि मैंने गोपाल से कभी मोहब्बत नहीं की, मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मगर गोपाल तो यही समझता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, और सच मानो तो मैं भी यही समझने लगा था। मेरे डैडी ने ठीक ही कहा था कि मोहब्बत करने वाले दिल वही देखते हैं जो चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर कहना जरूरी समझती हूँ ताकि सारी गलत फहमियां दूर हो जाए। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, इसका अभी इसी वक्त मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। राधा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। फिर तुमने इतने दिन मुझसे कहा क्यों नहीं, इतने दिन चुप खामोश क्यों रहे? Thank you.
दिल में बसाया है। हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। हो ना खबर अब किसी और को तुमने अपना बनाया। लगता है दुनिया न ये जान जाए। चाहे जो कोई तो चेहरा छुपा ले, चाहत मगर छुप न पाए। दिल के धड़कने से डर मुझको लगता है दुनिया न ये जान जाए। चाहे जो कोई तो चेहरा छुपा ले, चाहत मगर छुप न पाए। अपनी मोहब्बत को मैंने तो दिल में कब से छुपाया है। हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया। चिलमन में इस दिल की धड़कन में तुमको छुपा के रखूंगा। ख्वाबों के दामन में यादों के दर्पण में तुमको बसा के रखूंगा। पलकों की चिलमन में इस दिल की धड़कन में तुमको छुपा के रखूंगा। ख्वाबों के दामन में यादों के दर्पण में तुमको बसा के रखूंगा। मुड़ के जहां जब भी देखा सनम बस तुमको ही पाया है। हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। हमने खामोशी से मेरे दोस्त वाह, तुझ जैसे दोस्त अगर इस दुनिया में हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। मुझे अगर इस दुनिया में कोई ख्वाहिश थी, कोई शौक था तो मोहब्बत की इंतहा देखने की, दोस्ती की इंतहा देखने का। मगर तूने मुझे आज कमीनापन, फरेब और धोखे की इंतहा दिखा दी। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुन ले गोपाल। मत ले मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा।
कृपया ध्यान दें, आईसी उड़ान 702 से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। सर, सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन अभी मेरे प्लेन का वक्त हो गया। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे भाई क्या बात है, क्या हुआ, कुछ बोलो तो। गोपाल जो हवाई जहाज में सफर कर रहा था वो क्रैश हो गया। मगर हो सकता है कि वो, काश ऐसा होता, मगर मरने वालों की लिस्ट में गोपाल का नाम भी लिखा है। एक दिन मैंने गोपाल से कहा कि बेटा तू हमेशा अपनी मां के बारे में पूछता रहता है, कभी तूने अपने उस पाप के बारे में नहीं पूछा जिसने तुझे और तेरी मां को इतना दुख पहुंचाया है? वो हंस के बोला कि अंकल मेरा दिल मां की मोहब्बत प्यार से इतना भरा हुआ है कि इसमें किसी के लिए नफरत की कोई जगह नहीं है। जो मां से मिला है वही देकर जाना है, वही देकर चला गया। बेटा हम सब पर उसके प्यार, उसकी मोहब्बत का कर्ज है जो हम कभी नहीं उतार सकते। मैं जब भी उसे कहता कि गोपाल पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जा, तो वो हमेशा कहता था कि अंकल अगर कृष्णा बड़ा आदमी बन गया तो समझो मैं बन गया, मैं और कृष्णा अलग अलग थोड़े ही हैं। बेटा अब तुम्हें अपने लिए नहीं उसके लिए बहुत बड़ा आदमी बनना होगा। मैं चलता हूं खरौना सा, और आपसे वादा करता हूं कि उसके हर ख्वाब को मैं हकीकत में बदल दूंगा। राधा मैं जानता हूं गोपाल के जाने से हम सबकी जिंदगी खाली और बेमकसद हो गई है, मगर यह तो सोचो गोपाल अपनी जिंदगी जिया कैसे, दुनिया के सारे दुख और दर्द अपने दिल में दबाकर उसने दुनिया को क्या दिया, सिर्फ खुशियां ही खुशियां। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि गोपाल क्या देखना चाहता था। मेरी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी, और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। बस राधा हमें भी अपने दुखों को दबाकर गोपाल के ख्वाब पूरे करने होंगे। क्या दोगी अगर मैं ये बता दूं कि तुमने भगवान से क्या और किसके लिए मांगा? अगर बता दोगी तो मैं रियली मान जाऊंगी। तो सुन, पहली बात तो ये कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, करेक्ट? करेक्ट। और दूसरी बात ये कि तुमने जो भी मांगा कृष्णा के लिए मांगा, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। मैंने कृष्णा की कामयाबी और उसकी नौकरी के लिए दुआ मांगी है, मगर तुम्हें कैसे पता चला? बिल्कुल सिंपल, जब आदमी अपने लिए कुछ मांगता है ना तो उसके मन में और चेहरे पर एक परेशानी, एक फिक्र सी दिखाई देती है, पर जब किसी और के लिए कुछ मांगता है तो उसके मन में और चेहरे पर शांति दिखाई देती है। मुझे वो शांति तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दी थी और मैं जान गई कि तुमने क्या मांगा है। चलो वो देखो कृष्णा आ रहा है, तुम उससे बात नहीं करना। हेलो। हेलो, आज मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। अगर अच्छी खबर ये है कि तुम इम्तिहान में पास हो गए हो तो ये तुम्हारे दिमाग, अक्ल और मेहनत का नतीजा नहीं है, वो तो सब इसकी पूजा और दुआओं का नतीजा है। मिस्टर कृष्णा, अगर आपके पास थोड़ी सी अक्ल या थोड़ा सा दिमाग होता
आप कहीं पहले ये जान गए होते कि मेरी दोस्त आपको कितना चाहती है और आपके बारे में क्या सोचती है। मिस्टर कृष्णा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, बिन कहे समझनी पड़ती है। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप दोनों अभी यही चाहते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है और आप दोनों भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैं चली। बाय। दोस्त इस
किस्मत मेरी देखो है क्या रंग लाई, ऐ मेरे दोस्त किस्मत मेरी देखो है क्या रंग लाई, अपने मिलन की रुत हसी गोपाल कहो, लेट मिस्टर गोपाल कहो, भगवान मेरी आत्मा को शांति दे, मे गॉड रेस्ट माय पीस इन सोल, सोल इन पीस। अरे तुम लोग तो ऐसे खड़े जैसे कि तुमने बाकी में भूत देख लिया। अरे हाथ लगा के देख, गले मिलकर देख यार, मैं तेरा वही दोस्त हूं जो तुझे गले लगाने के लिए मौत से हाथ चढ़वाया हूं। आ भी जा यार, तुम लोगों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। साहब जी, साहब जी, मैंने कहा था ना कि दरवाजा मुझे खोलने दीजिए, फिर देखिए मजा। अरे ये दोनों तो एकदम पत्थर गए थे, ऐसे लगता था कि अगर दोनों को उठा के गार्डन में रख दे तो ये जिंदगी भर स्टैचू का काम दे। अरे यार कुछ बोलो, कुछ कहो, हंसो, मुस्कुराओ, चीखो, चिल्लाओ और बताओ मेरी आने से तुम लोगों को कितनी खुशी हुई है। लेकिन गोपाल, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देखिए साहब जी, मेरे आने की कोई खुशी नहीं, लेकिन देर से क्यों आया इस पे शिकायत शुरू। अरे पगले, मैं तुझसे कह के तो गया था कि जब तक मैं राधा के काबिल ना बन जाऊं तब तक मैं नहीं आऊंगा, और राधा के काबिल बनना घंटे दो घंटे का काम थोड़ी ना। आई टेल यू, टेक्स टाइम। अच्छा चलो ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? साहब जी मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। उस दिन जब मैं हैदराबाद जाने के लिए निकला तो सर सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन मेरे तो प्लेन का वक्त हो गया है। हेलो सर। गोपाल, मुझे एक जरूरी काम से इसी वक्त जाना है। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है।
साहब जी, ये सब ऐसे हुआ। मोहन बाबू एक अजीब और गरीब आदमी थे, ना ही वो मुझे अपना सब कुछ दे गए, बल्कि मेरी मौत की टिकट पर अपनी जान दे गए। जो कुछ हुआ उसे भगवान की मर्जी समझो, एक दिन तो सबको जाना है, मगर इस तरह सब कुछ देकर कोई चला जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो आओ खाना खा लो। साहब जी आज आप मुझे माफ कर दीजिए, आज का खाना मैं डॉक्टर अंकल के साथ खाऊंगा, मैं कल जरूर आऊंगा, वैसे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते। डॉक्टर अंकल। अरे गोपाल बेटा तू? हाँ हाँ जिंदा हूं और एकदम रियल। अब मुझे अच्छी तरह जी भर कर देख लेने देना तुझको। आराम से बैठो गोपाल, परेशान क्यों लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? साहब जी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, समझ में नहीं आता जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कैसे कहूँ। आप तो जानते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए किस बात को कैसे कहनी चाहिए मुझे नहीं मालूम। डरता हूँ साहब जी कि अगर एक आध लफ्ज इधर उधर हो जाए तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। मगर ऐसी क्या बात है, कहो तो सही। कह दूं साहब जी? हाँ कहो, हिम्मत करके कह दूं साहब जी? हाँ कहो भाई। नहीं साहब जी इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? साहब जी वही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो भाई? साहब जी वही जो नहीं कह पा रहा हूँ। नहीं कह पा रहे तो छोड़ो। अरे नहीं नहीं साहब जी कमाल कर रहे हैं, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है साहब जी। तो फिर बोलो। ससुर जी, साहब जी मैं जानना चाहता हूँ जब आप अपनी शादी की बात करने अपने ससुर जी के पास गए तो आपने क्या कहा और किस तरह कहा? अरे भाई तुम इतना पूछने में इतनी देर लगा रहे थे, इतने दिन गुजर गए कुछ याद थोड़ी है। फिर भी याद कीजिए ना। मैं उनके सामने जाकर बैठा और। किस तरह बैठे, आराम से टिक कर बैठे या इस तरह? आराम से बैठे। अच्छा बहुत मुश्किल काम है साहब जी। अच्छा फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा साहब मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए आपकी इजाजत लेने आया हूँ। ये सब आपने एक ही सांस में बोल दिया? अरे वाह साहब जी क्या हिम्मत है। बस फिर वो बोले कि बेटे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अगर कमला की भी यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। साहब जी आपने ये सब डायरेक्ट बोल दिया था या पानी वानी भी पिया था? नहीं भाई पानी तो मैंने पिया था क्योंकि मेरा भी गला थोड़ा सूख रहा था। साहब जी मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं। साहब जी मैं राधा से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ और आपकी इजाजत लेने आया हूँ। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, अगर राधा भी तुम्हें चाहती है तो मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। थैंक यू साहब जी। थैंक यू। ये देखो। ये कहाँ किस खाली मकान में ले आए हो मुझे? ये खाली मकान बहुत जल्द भर जाएगा, हम इसे खुशियों से भर देंगे। राधा मैंने तुम्हारे लिए इस शहर का सबसे अच्छा मकान खरीदा है। मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए कहो, मेरे लिए कहो, हमारे लिए कहो, हम कोई अलग अलग थोड़ी ना है। हाँ ये हमारा ड्राइंग रूम होगा, ये हमारा डाइनिंग रूम होगा और बेडरूम, ये हमारा बेडरूम होगा जहाँ हमारे देखे हुए हर ख्वाब पूरे होंगे। मैं शादी तक रुकूंगा कैसे? राधा राधा तुम इस वक्त यहाँ, क्या बात है? कृष्णा धीरे धीरे बहुत देर हो गई है, फिर भी अभी कुछ वक्त बाकी है। क्या हुआ? आज गोपाल मुझे अपना मकान दिखाने ले गया था, वो मकान उसने मेरे लिए खरीदा है जिसे वो मेरे लिए तैयार कर रहा है, सजा रहा है, जहां वो मुझे मेरी राय मेरी मर्जी के बगैर रख चुका है, जिसे वो मेरा और खुद का स्वर्ग समझ चुका है। तो फिर तुमने क्या किया, क्या कहा? मैं क्या कहती, क्या करती, वो जिस उम्मीद की ऊंचाई और चोटी पे जा बैठा है वहां से उतरना नामुमकिन है। सिर्फ
सिर्फ गिर के मर सकता है। कृष्णा कुछ करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कृष्णा प्लीज कुछ करो, मुझे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। राधा तुम अभी घर चली जाओ, मैं उसे कल मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। तुम क्या कहोगे उसे? मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। हे भगवान, ये तूने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया? मुझे उस दोस्त का कातिल बना दिया, जो दोस्त तो क्या अपने दुश्मन के लिए भी जान दे सकता है। बेटा, गोपाल सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा चचेरा भाई है। बेटा, मेरे अलावा ये राज सिर्फ तुम जानते हो, इसे अपने तक ही रखना। सुनो, जाने अनजाने में तुम्हारे खानदान से गोपाल को सिर्फ दुख मिले हैं। इन दुखों का कर्जा तुम्हें खुशियों से चुकाना है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, भगवान तुम्हारी दोस्ती सलामत रखे। बेटी बैठो, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। यह खबर बड़े नसीब वाले मां बाप या तो सुनते हैं या सुनाते हैं। मेरी जिंदगी में यह मौका बरसों के बाद आया है। बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी की आखिरी जिम्मेदारी भी आज पूरी हो गई। कुछ अरसे पहले कृष्णा तुम्हारे लिए गोपाल का रिश्ता लेकर आया था। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। वो उसी दिन शहर छोड़कर चला गया और वाकई इतने दिनों के बाद कुछ बनकर आया। हमें उसकी ये अदा बहुत पसंद आई और आज जब वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया तो तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्यों नहीं कर सकती? क्या बात है, गोपाल में क्या खामी है? गोपाल में कोई खराबी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। कृष्ण, तुमने गोपाल से बात की? उसे बताया है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं बता सका, ना ही कभी बता सकूंगा। राधा, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
अगर तुम मेरी बात मानो तो गोपाल से शादी कर लो। वो तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत खुश रखेगा वो। मिस्टर कृष्ण सिन्हा, तुम्हें फैसला करने का इतना ही शौक है कि जज बनने से पहले तुम लोगों की जिंदगी का फैसला करना शुरू कर दो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। वेल, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पापा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। हे भगवान, मैं अपने पिता के फैसले को तुम्हारा फैसला समझती हूँ। मैंने गोपाल से शादी करने का, अपना जन्म जन्म का साथी बनाने का फैसला कर लिया है। इस रिश्ते की रक्षा करना भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी पिछली जिंदगी भुला दूं, अपनी याददाश्त मिटा दूं, सब कुछ पीछे छोड़कर अपना सब कुछ गोपाल के ऊपर कुर्बान कर दूं। भगवान, अब मेरी जिंदगी में उठते बैठते सोते जागते सिर्फ गोपाल ही गोपाल हो। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं उसकी हर खुशी को पूरा कर सकूं। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे मैंने अभी भी सुना कि तू जा रहा है। हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मुझे बहुत ही जल्दी अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। कृष्णा, मुझे तेरी नौकरी की तुझसे ज्यादा खुशी है, लेकिन कभी तूने ये सोचा है कि अगर तू मेरी शादी पर नहीं आएगा तो मुझे कितना दुख होगा? मैं मजबूर हूँ गोपाल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तेरा जाना जरूरी है तो जा, लेकिन ये सुन ले कि ये शादी मैं तेरे बगैर नहीं करूंगा। रुक जा बेटे, एक दो दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं रुक जाता हूँ। अरे ये हुई ना दोस्ती वाली बात।
यार तू किस्मत वाला है, तुझको मिला दिलदार तेरा। यार तू किस्मत वाला है, तुझको मिला दिलदार तेरा। तेरी मुरादें रब ने सुनी, तुझको मिला है प्यार तेरा। अपनों की महफिल में मैं लगने लगा बेगाना, क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया, क्या जमाना। कितनी मोहब्बत है तुझसे इस दुनिया को बता दूं मैं, कितनी मोहब्बत है तुझसे इस दुनिया राधा, राधा बेटी। अरे आंटी आइए बैठिए ना। नहीं बेटी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। कृष्णा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक खत दे के गया है। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। आंटी आइएगा जरूर। अच्छा डियर राधा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और मेरी ये दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता था जो मैं अभी तक नहीं जानता था। जिस दिन मैं गोपाल को सब कुछ बताने गया, उस दिन मुझे डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया, अगर नहीं बताते तो मैं भी अपने बाप और दादा की तरह गोपाल की बची खुची खुशियों को लूट लेता। मुझे उस दिन उन्होंने ये बताया कि गोपाल सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। हाँ, गोपाल मेरे चाचा सुरेंद्रनाथ सिन्हा का बेटा है। राधा, गोपाल का ख्याल रखना, गोपाल के सारे ख्वाब हकीकत में बदल देना, और मुझे एक झूठा ख्वाब समझकर मिटा देना। कृष्णा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दो महीने से गर्भवती हो। नहीं, इसमें से चौंकने जैसी कौन सी बात है? वैसे तुम चाहो तो 15 दिन के बाद आ सकती हो सोनोग्राफी के लिए। राधा, हर छोटी छोटी बात को तुम प्रॉब्लम बना देती हो।
जरा बताओ उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी के जो भी प्रॉब्लम है वो सब मेरी एम्बिशन है। तुम क्या जानो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन किसी की पत्नी बनूं और इसी तरह एक दिन मां बनूं। रात को सोते में नहीं, दिन में आंखें खोलकर सपने देखती हूं। और तुम आज ये खुशखबरी सुनकर कि तुम मां बनने वाली हो परेशान हो गई? मां बनने के सपने तो मैं भी देखा करती थी, लेकिन सिर्फ उस आदमी के साथ जो मेरा पति हो। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है कि रोते हुए आंसू नहीं निकलते और हंसते हुए आंसू निकल पड़ते हैं। तुम्हें मालूम है मेरी शादी के सिर्फ एक महीना हुआ है और डॉक्टर ने मुझे आज बताया कि मैं 2 महीने से मां बनने वाली हूं। ओह माय गॉड, यानी ये बच्चा गोपाल का नहीं बल्कि, हाँ, शादी से पहले मैं कृष्णा के बहुत करीब आ चुकी थी और शादी के बाद उसे भूलकर उतना ही दूर जाना चाहती थी। लेकिन अब ये सब कैसे मुमकिन होगा मुझे नहीं मालूम। ठहरो, अब तुम क्या करोगी? मैं गोपाल को सब कुछ बता दूंगी। ये पागलपन, ये गलती हरगिज मत करना, वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या एक अच्छे और सच्चे इंसान से झूठ बोलकर मेरे दिल को शांति और सुकून मिल सकेगा? झूठ झूठों से बोला जा सकता है गीता, लेकिन सच्चाई और सच्चों के सामने नहीं। मैं गोपाल के साथ हाथ में हाथ डालकर आंखें मिलाकर जीना चाहती हूँ, न कि शर्मिंदगी के साथ आंखें झुकाकर। मेरा
सुर मेरी सरगम मेरा ही नगमा। मैं इतना खुश क्यों हूँ यार? अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, राधा माँ बनने वाली है। है ना खुशी? गोपाल। अरे राधा, अरे धीरे धीरे उतरो संभल के। आओ मेरे पास बैठो और सुनो अपने होने वाले बच्चे के क्या क्या नाम सोच रखे हैं। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अगर लड़का हुआ तो मैं तो उसे पहलवान बनाऊंगा, हिंद केसरी। उसका नाम सुनते ही सामने वाला पहलवान गिर जाएगा। जानती हूँ नाम क्या होगा? गरम जा पहलवान। नहीं नहीं, बस मैं दूसरा लो। धरती धकेल पहलवान। नहीं, नो प्रॉब्लम, आगे भी बहुत नाम है। मच्छर सिंह, बरगद सिंह, पिप्पल सिंह, यूकलिप्टस सिंह। बताओ कैसे लगे नाम? गोपाल देरी हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा अच्छा सुनो, अगर लड़की होगी तो उसका सिर्फ एक ही नाम होगा जो मेरी माँ का था, शांति। ठीक है ना? अरे चलो ना, टाइम वेस्ट मत करो। आज ये घर मुकम्मल कंप्लीट हो गया है, एक बीवी और एक बच्चा, वो भी मेरा। अरे तुम जानती हो मैं क्या समझता था कि जब मेरे घर बच्चा आएगा तो मेरी मोहब्बत मेरी बीवी और मेरे बच्चे में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत राधा के लिए और बढ़ गई है क्योंकि उसने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया है। देखो देखो देखो, सच बोलना, एकदम मेरी तरह दिखती ना? तुम्हारी तरह दिखती है या नहीं? हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ये देखो क्या किया इसने। अरे गीता जी, समझ लो कि आपकी किस्मत खुल गई है। लगता है आपके हाथ पीले होने के दिन करीब आ गए। पीले हो ना हो, गीले जरूर हो गए। सर, मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरे शहर माधोपुर ना भेजिए। अरे भाई, मैं तो समझता था कि तुम वहां जाना पसंद करोगे, इसलिए कि वो तुम्हारा शहर है, वहां तुम्हारा घर है। सर, वहां की हर सड़क, हर गली, हर घर, हर नुक्कड़ मुझे पीछे खींचते हैं। सर, मैं वो सब भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कृष्णा, आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी ये है कि वहाँ मजिस्ट्रेट की पोस्ट खाली है और मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, इसलिए तुम्हें कुछ महीने वहाँ जाना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा वहाँ किसी और आदमी को भेज कर मैं वहाँ से तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। जैसा आप कहें सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जुजू जोटा मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया सात कटोरी, एक कटोरी टूट गई, मामू की टांग टूट गई। राधा है घर में? हाँ अंदर है। और आप बाहर? नहीं, मेरा दिल अंदर है और मेरी जान बाहर। वाकई आपकी शायरी में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। गालिब, मीर और दाग को तो लोगों ने मरने के बाद पहचाना था, हमारा तो जिंदगी में चांस है। क्यों शांति? मुबारक हो, आपका दोस्त कृष्णा शहर में मजिस्ट्रेट बनकर आया है, अब तो आपको सात खून माफ है। कृष्णा मजिस्ट्रेट बनकर आया है? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कृष्णा यहाँ आए और मुझसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हुआ है, देख लीजिए जाकर। अरे गोपाल, तू कब आया? मैं तो अभी आया हूँ। तू ये बता कि तू कब आया? मुझे आए हुए कुछ दिन हो गए। बस इसी बात का तो बहुत दुख हुआ है। इतनी पुरानी ऐसी दोस्ती इस तरह निभाई जाती है क्या? तुम से दूर जाकर हमारी जिंदगी से भी दूर चले गए क्या? नहीं गोपाल, भगवान जानता है ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ आकर काम में फंस गया था, फुर्सत नहीं मिली। मैं आज या कल आना ही चाहता था। कल क्यों? तुझे आज ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और सुन, राधा को मत बोलना कि तू यहाँ कुछ दिनों से था, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। राधा, अरे देखो तो सही कौन आया है। देखा? हेलो राधा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई? सोचा था क्या, ये क्या हो रहा है? सोचा था जब मैं कृष्णा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और तुम्हें इतनी बड़ी सरप्राइज दूंगा, तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी और मेरे गले से निपट कर कहोगी, ओ गोपाल हाउ स्वीट ऑफ यू, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तुम मुझे ऐसे सरप्राइज ना दिया करो कि मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। लेकिन ये तो एकदम उल्टा ही हो रहा है यार। देखो, या तो तुम दोनों में कोई गड़बड़ हो गई है या तो मेरी सोच ही एकदम उल्टी हो गई है। जो भी मैं सोचता हूँ इसका एकदम उल्टा ही होता है। खैर छोड़, माफ किया यार, बैठ, मुझे तुझसे कितनी बातें करनी है यार। ए, जाना नहीं, ये मेरी बेटी की आवाज है, मैं उसे हंसा के सुला के अभी आया। हाँ बोलो। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए यार, खाना खा के जाओ। नहीं गोपाल, आज रात नहीं, फिर किसी दिन, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज नहीं तो कल का वादा करके जाओ। नहीं नहीं, कल शाम भी नहीं, कल शाम मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा मैं चलता हूँ। कृष्णा, अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो। नहीं गोपाल, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णा याद रखना, तेरी दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसे मुझसे मत छीनना। अरे तिवारी जी, ये पौधे सूख रहे हैं, मालिक है? काफी दिनों से दिखा नहीं दिया। साहब मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिरासत में? क्यों? साहब उसके हाथ से उसकी बीवी का खून हो गया है। पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मालिक तो सीधा साधा ठंडा आदमी है। नहीं साहब, उसने अपने आप को खुद पेश करके अपने जुर्म का इकबाल किया है। अच्छा, लेकिन ये इसने क्यों किया? साहब आज से 20 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी बीवी एक छोटा सा बच्चा साथ लेकर आई थी और कहा था कि ये बच्चा उसकी बहन का है जो इस दुनिया में नहीं है। उसने बच्चा पाल लिया साहब, उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार दिया। मगर कुछ दिन पहले जब उसे ये पता चला कि वो बच्चा उसकी बीवी की बहन का नहीं बल्कि उसकी बीवी का खुद का है तो गुस्से से पागल हो गया साहब, और गुस्से में उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। वो औरत भी एक अजीब औरत होगी जिसने इतने अच्छे सीधे साधे आदमी को धोखे में रखा। वो औरत एक झूठी और धोखेबाज पत्नी नहीं बल्कि औरत के नाम पर। खैर मुझे माली से पूरी हमदर्दी है। मगर माली ऐसा आदमी नहीं लगता था साहब, उसने तो आज तक कोई कीड़ा भी नहीं मारा। तिवारी, शरीफ आदमी की बर्दाश्त एक समंदर की तरह होती है तो उसका गुस्सा भी एक सैलाब की तरह होता है। खैर राधा, अरे इतनी रात गई, ये बैग लेकर कहाँ चली? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मुझे ये बात मजाक में भी सुनना पसंद नहीं है।
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। अब मैं ये झूठ और परेब की जिंदगी एक दिन भी जीना नहीं चाहती। बहुत हो गई ये बकवास, मैं तुम्हारे नखरे और चौंचले बर्दाश्त कर करके थक गया हूँ। सीधी तरह कहो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? अब मुझसे तुम्हारी नाटक ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए तो जा रही हूँ, ये नाटक ज्यादा देर तक मैं भी नहीं कर सकती। सुनना चाहते हो तो सुनो, मगर एक बात याद रखो, सच्चाई मेरे मुंह से निकलते ही एक तूफान आएगा और ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म होता तो हो जाने दो, धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने मेरे बनाए हुए सपने टूटे, इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि ये सब एक ही दिन में तबाह हो जाए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और ना ही मैं इंतजार कर सकता। कहो क्या बात है? जिस बच्ची को तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, जिसे तुम अपना खून अपनी औलाद समझते हो, वो बच्ची तुम्हारी नहीं। शट अप! तुम क्या समझती हो कि मेरे साथ इतना गंदा घिनौना फरेब करके ये बैग उठाकर यूं टहलती भी निकल जाओगी? नहीं, नहीं, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो मैं दूंगा। अगर ये सब खत्म होता तो अब इसे खत्म मैं करूंगा, इसे खत्म मैं करूंगा, मैं करूंगा खत्म, मैं करूंगा खत्म, इसे खत्म मैं करूंगा। तुमने क्या किया? कोई इस तरह अपना घर थोड़ी छोड़ देता है। घर बनाने और बसाने में उम्र गुजर जाती है और बिगाड़ने और तबाह करने के लिए सिर्फ एक कदम दहलीज के बाहर उठाना बहुत होता है। तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना था। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं। मगर साफ सफाई, मेल मिलाप और फैसले भी घर की चार दीवारी के अंदर ही होने चाहिए। जो फैसले घर से बाहर निकल जाते हैं या तो वो चौराहों पर पहुंच जाते हैं या अदालत में। और बेटी याद रखो, दिल के फैसले दुनिया की कोई अदालत नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ हाथ मिलाकर गले मिलकर ही होते हैं। मेरा कहा मानो, मेरी, उसकी और अपनी इज्जत की खातिर घर चली जाओ। पापा मैं वहां नहीं रह सकती, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मगर ऐसी कौन सी खराबी है उसमें? पापा उनमें कोई खराबी नहीं है, वो बहुत अच्छे पति और बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर क्या बात है? काश मैं आपको सब कुछ बता सकती, काश मैं आपको सब कुछ कह सकती। गोपाल, सुबह सुबह तुम यहाँ? बस ऐसे ही वॉक पे निकला था, सोचा तुमसे मिलता जाए। बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, मैं आज जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। अभी तो कहा था कि वॉक पर निकले हो, फिर ये जल्दी कैसी? नहीं नहीं, बात यह है कि मुझे अभी भी काम याद आ गया। क्या बात है गोपाल, तुम बहुत परेशान और घबराए नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, राधा मेरा इंतजार करती होगी।
बेटे गोपाल इस तरफ आ रहा है। पापा उन्हें नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। बेटी ये बात मैं उससे कैसे और कब तक छुपा सकता हूँ? पापा मुझे उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में थोड़ा वक्त चाहिए। अभी मैं उनसे नहीं मिल सकती। बेटी मगर पापा आपको मेरी कसम। नमस्ते साहब जी। आओ भाई गोपाल, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ साहब जी, सब ठीक है, सब ठीक है साहब जी। बड़े थके हुए बीमार से लग रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं साहब जी, बिल्कुल अच्छा हूँ, एकदम ठीक हूँ साहब जी। साहब जी राधा तो नहीं आई ना? नहीं तो क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अभी तक घर नहीं गया था और इस तरफ से गुजर रहा था, सोचा अगर राधा यहाँ होगी तो मैं उसे साथ लेता चलूंगा। अच्छा साहब जी मैं चलता हूँ, एक दिन राधा मैं मुन्नी हम सब यहाँ आएंगे, सारा दिन आपके साथ गुजारेंगे, खूब हंसेंगे मजा करेंगे, आपका भी टाइम पास हो जाएगा। अच्छा साहब जी फिर किस दिन आते? राधा मुन्नी अरे गोपाल इतनी रात गए इस वक्त यहाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बस ऐसे ही अकेले में दिल घबरा रहा था तो तेरे पास चला आया। क्यों, राधा कहाँ है? कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़े दिनों के लिए मैंने उसे नैनीताल भेज दिया। उसका वहां दिल नहीं लगता और मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो सोचती कि वो वापस आ जाए और मैं सोचता कि मैं वहां चला जाऊं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बात यह कि शादी के बाद हम पहली बार अलग हुए, सच पूछो तो अकेले रहने की आदत नहीं रही। शांति कहाँ है? हाँ शांति मेरे पास है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो भी चली जाती तो मेरे पास क्या रह जाता? शादी से लिए राधा ने उसे मेरे पास छोड़ दिया। अच्छा मैं चलता हूं, अगर शांति उठ गई तो अपने आप को अकेला पाएगी। अच्छा गोपाल मैं जानता हूं आज तू मुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका, इसी तरह मैं भी तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सका। वक्त आने पर तुझे यही याद रखना होगा। आजा मेरा बेटा आजा, आजा पापा के पास। जुजू छोटा मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया सात कटोरी, एक कटोरी टूट गई मामा की थाल टूट गई। साहब राधा कहाँ है? राधा, राधा तो यहाँ नहीं है। आप कहते हैं राधा यहाँ नहीं है, गोपाल कहता है कि राधा नैनीताल गई है, ये सब क्या हो रहा है राय साहब? सच्चाई को ढांकने से
बंद रखने से घर में बू फैल जाती है जो घरों के बाहर भी निकल जाती है। मैंने अभी अभी राधा को यहां देखा है। राधा यही है मगर वो किसी से मिलना नहीं चाहती, अपने घर भी वापस जाना नहीं चाहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बेटे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम उसके दोस्त हो, तुम ही उसे समझा सकते हो। जाओ उसे समझाओ वरना सब तबाह हो जाएगा। राधा तुम जो कुछ भी कर रही हो और उसकी जो भी वजह मैं नहीं जानता, मगर फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा तुम्हें गोपाल और शांति की जिंदगी तबाह बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जिस इंसान की इज्जत और जिंदगी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं वो तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए लोगों को तरह तरह की कहानियां गढ़कर सुना रहा है, पागलों की तरह एक जगह से दूसरे जगह, एक घर से दूसरे घर तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या गुनाह था उसका? किस बात की सजा दी जा रही है उसे? देखो राधा, अगर तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी माँ तो बन सकती थी, जिसका तुम्हें एक औरत होने के नाते पैदाइशी हक है। मगर तुम इतना भी नहीं कर सकी। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सजा उस मासूम बच्ची को क्यों दी जा रही है? सजा तो मैं अपने आप को दे रही हूँ। मैं अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसे बहुत चाहती हूँ। गोपाल उसमें जान देता है, उसमें मरता है। मैं जानती हूँ वो मेरा जाना मेरा गम बर्दाश्त कर सकता है, मगर शांति उसकी जिंदगी से चली जाती तो उसकी जान निकल जाती। मेरा मेरी बच्ची से दूर रहना ही मेरी सजा है। क्या पागलपन की बातें कर रही हो? कैसी सजा? किस बात की सजा? सजा एक अच्छे इंसान से सच्चाई छुपाने की, उसे धोखे में रखने की। कौन सी सच्चाई छुपाई है तुमने? कौन से धोखे में रखा है तुमने? अगर गोपाल की खुशी के लिए तुमने ये छुपाया है कि एक जमाने में तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, तो उसमें कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है, कौन सा धोखा है? ये तो मैं उसे कभी भी बता सकती थी, लेकिन क्या ये बता सकती हूँ जिसे वो अंधों की तरह प्यार करता है, जिसके लिए सुबह शाम हजार बार कहता रहता है कि देखो कितनी मेरी तरह दिखती है, कैसे मेरी तरह हंसती है, कैसे मेरी तरह देखती है। वो जो उसकी औलाद ही नहीं। ओह माय गॉड, यानी शांति? हाँ शांति मेरी बेटी है और तुम्हारा खून। अब बोलो बताओ मैं क्या करूं? हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साहिल की तरफ निकले थे, मगर चलते चलते मसार में पहुंच गए। ये सब मेरी वजह से उलझा है, इसे अब मैं ही सुलझाऊंगा। अब ये तूफान कागज की दीवारें नहीं रोक सकती, मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। बेटा मत रो मेरा बेटा, मेरी जान। अरे बाप रे बाप, इतना मोटा मोटा आंसू आया मेरी शांति को। अलीले मत रो। मालूम मैंने मम्मी को खत लिखा है और कहा है कि शांति तुम्हें बहुत याद कर रही है, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अब देखना मम्मी कितनी जल्दी वापस आ जाएगी। देखो 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 मम्मी ने खत भी लिखा है। क्या लिखा है साहब? मेम साहब कब वापस आ रही है? मेम साहब ने ये लिखा है कि वो बहुत जल्दी वापस आ रही है। संभाल के संभाल के। अरे वाह ये तो कमाल हो गया। आजा कृष्णा, तो जब भी आता है हमारे अकेलेपन की तकलीफ कम हो जाती है। बैठ। अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा दिन मालूम होता है, आज राधा का खत भी आया और तू भी आ गया। खत पढ़ के सुनाओ। डियर गोपाल, तुम अपना ख्याल रखना, शांति का भी ख्याल रखना। मुझे शांति और तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरा यहाँ तुम लोगों के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। मेरी तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है और मेरा बहुत जल्द वापस आने का इरादा है। तेरे बारे में लिखा है। कृष्णा कैसा है? कृष्णा से मिलते हो या नहीं? मिलता हूँ बाबा, मिलता हूँ।
शांति को बहुत बहुत प्यार, तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी राधा। अरे तेरी आंखों में आंसू? अरे कुछ नहीं यार, जरा आंख में कचरा गिर गया था। कुछ पिएगा? नहीं कुछ नहीं, बस एक ग्लास पानी ला दे। अच्छा ये ले। थैंक यू। अच्छा चलता हूं, फिर आऊंगा। अरे कहां चल दिए? बेटी तुम तो जानती हो मैं उन पुराने ख्यालात के लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियों को डोली में बैठाते वक्त ये कहते हैं के पति के घर इस डोली में बैठकर जाना और वहां से सिर्फ अर्थी में बाहर आना। पति का घर कोई काला पानी या जेल नहीं जिसमें औरत अपने आप को कैद रखे और सजा काटे। अगर गोपाल के घर तुम्हें कोई तकलीफ होती तो मैं समझ सकता था। अगर गोपाल में कोई बुरी आदत या ऐब होता तो मैं समझ सकता था। अगर उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और होता तब भी मैं समझ सकता था। मगर यह बेवजह इतनी सारी जिंदगी खराब करना मेरी समझ में नहीं आता। बेटी तुम मुझे गलत मत समझना, ये घर तुम्हारा है, मेरी जिंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी। तुम गोपाल के साथ यहां जिंदगी भर रह सकती हो मगर उसके बगैर, उसकी मर्जी के बगैर तुम्हारा यहां रहना हर पल मुझे भारी पड़ रहा है। बेटी मुझे ये कहने पर मजबूर मत करो कि मैं किसी दिन तुमसे ये कहूं कि तुम यहां से चली जाओ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ थकान सी महसूस हो रही है और थोड़ा सा बुखार भी है। वैसे भी आज ज्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ एक ही केस है। एक जवान लड़की जो अच्छे घर की लगती है कल रात नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, कुछ लोगों ने देखा और बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आज उसे आपकी अदालत में पेश करना चाहती है। ठीक है मैं आता हूँ। सर अगर आप चाहें तो क्या मैं उसे यहाँ आपके चैम्बर में ले आऊं? वो भी अपने और अपने खानदान की इज्जत की खातिर आपसे भरे कोर्ट में नहीं अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है तुम उसे यहां ले आओ। सर जिस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की थी वो हाजिर है। जिंदगी भगवान की एक खूबसूरत देन है, तुम उसे क्यों खत्म करना चाहती? गोपाल, गोपाल गजब हो गया। क्या हुआ? राधा पुलिस की हिरासत में है, रिमांड होम में। पुलिस की हिरासत में, रिमांड होम में? मगर क्यों, क्या किया उसने? सुना है आत्महत्या करने की कोशिश की थी उसने, पुलिस ने उसे बचा लिया है और रिमांड होम में रखा है। मगर उसने ऐसा क्यों किया होगा? ये तुमने क्या किया? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसी क्या गलती की थी मैंने जिससे तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? कोई कमी नहीं तुम्हारे प्यार में, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई किला नहीं,
मुझे गिला है तो अपनी किस्मत से, जिसने सच्चाई बोलने को जमीर तो दिया, जुबान नहीं, दिल से तो बात निकलती है, जुबान से नहीं। मैं अंदर ही अंदर कब तक घुटती रहती, कब तक तुमसे सच्चाई छुपाती, कब तक तुम्हें धोखे में रखती। इसलिए मैंने सोचा शायद यही हम सब की तकलीफों का हाल है। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सकती थी? ऐसा कौन सा राज था जिसका हमराज मैं नहीं बन सकता था? अफसोस है मुझे तो सिर्फ इस बात का। राधा, देर तो अभी बहुत हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ वक्त है। अगर तुम मुझे इस काबिल समझती हो तो उतार के दे दो अपने दिल और जमीर का सारा बोझ। ये मेरी आखिरी विनती है तुमसे। मैं आज तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, शुरू से लेकर आज तक जो मैं तुमसे नहीं कह सकी वो आज कहना चाहती हूँ। सुनो, मैं कृष्णा से प्यार करती थी। अब तुम ही बताओ मैं कब तक तुम्हें अंधेरे में रखती, खुद अंधेरे में भटकती। इसलिए मैंने ये कदम उठाया, हो सके तो मुझे माफ करना। नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर शिकायत है तो बस इतनी कि तुम दोनों ने मेरे लिए कितनी कुर्बानी की, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ दिया, मगर कभी यह सोचा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? राधा, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे पहले कहा था कि मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अरे कभी उसे तो परख लिया होता। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राधा, ये गोपाल इस दुनिया में लेने नहीं, देने आया है और देकर ही जाएगा। गोपाल, मैं भगवान से झोली फैलाकर, तुम्हें साक्षी रखकर ये दुआ मांगती हूँ कि अगले जन्म में मुझे पैदा करे तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे इस प्यार का कर्जा उतार सकूं। आपने मुझे बुलवाया है, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे अपनी वसीयत और कुछ जरूरी कागजात बनवाने हैं, मगर आज। आप बेफिक्र रहिए, बन जाएंगे। आप क्या कागजात बनवाना चाहते हैं उसकी डिटेल मुझे बता दीजिए। बैठिए, बताता हूँ। छोटा मामू, मोटा मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 7 कटोरी, 1 कटोरी टूट गई, मामू की टांग टूट गई। कौन है? Yeah.
मैं जा रहा हूँ तुम लोगों की जिंदगी से बस उसी तरह जैसे आया था, ना आने का पता और ना ही अब जाने का पता। तुम लोगों की यादें अब मेरे जिंदगी के साथ रहेंगी। मैं अपनी जान और तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। इस खत के साथ दो और लिफाफे छोड़ जा रहा हूँ। एक में मेरी वसीयत है, जो भी मेरे पास था मैंने शांति के नाम कर दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय दुआ के। दूसरे लिफाफे में तलाक के कागजात हैं, जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं, और राधा को दे देना। मैंने उसे इस बंधन से आजाद कर दिया है। अब वो अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से कर सकती है। मुझे माफ करना दोस्त, इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बस अब मैं इसी रास्ते पर चलता रहूंगा जब तक थक कर गिर ना जाऊं। तुम्हारा दोस्त गोपाल। गोपाल, काका ऊपर बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। गोपाल, 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 मत जा, गोपाल, 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 जय गोपाल। कौन है पहचान? ये तेरी शांति है। हमारी शांति। ये तूने क्या किया गोपाल? अपने आप को हमसे अलग कर दिया। हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी तूने मेरे दोस्त? अलग तो कभी एक पल भी नहीं हुआ था मैं तुझसे, बस थोड़ा सा दूर चले गया था। और जाते वक्त मिलकर भी ले गया? अब तो मिलकर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना, अपनी बेटी का ख्याल रखना, और एक बात याद रखना कि जब भी गोपाल की याद आए तो आंसू नहीं हंसी निकल आए। ये क्या, मैं तो तेरा हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए ठहरा था। जब तक तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखूंगा मेरा दम नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। ऐसे मत बोल मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तो फिर ये आंसू क्यों? ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं, तुझे मिलने की खुशी में आ गए मेरे दोस्त।
यही देखना था। गोपाल, गोपाल, गोपाल। और इस तरह ये हमारी जिंदगी से अपना सब कुछ लुटाकर चला गया। ये बोझ अपनी जमीर पर लेकर अगर मैं जिंदा रहा तो सिर्फ गोपाल की अमानत के लिए, जो उस रात वो मुझे सौंप गया था। वो अमानत तुम हो शांति, ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, मगर तुम उसकी जान थी और ये जान उस दिन वो मुझे दे गया था। मम्मी कहाँ है, उनका क्या हुआ? गोपाल के जाने के बाद राधा यानी तुम्हारी माँ, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे एक आश्रम में जा बसी और फिर कभी किसी अपने वालों से नहीं मिली। कुछ दिन पहले जो खत आया था वो उसी आश्रम से आया था और उसमें लिखा था कि राधा शांति के साथ अपनी बेटी शांति को आशीर्वाद देकर इस दुनिया से चली गई। सर, अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी है। पापा, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्त।